करते हैं कि 35 दिन में 10 मिसाइल मोदी का क्या है निर्भय स्टाइल। दरअसल भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, यानी कि ये कि धरती ही परिवार है। लेकिन जिस तरह की सर्कमस्टांसेस हैं, जो सिनेरियो बना हुआ है, उसके लिए ये जरूरी है कि युद्ध लड़ने से ज्यादा जरूरी ये है कि युद्ध के लिए आप तैयार रहना। किस तरह की तैयारी है ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन खास तौर पर तब आपको चौकन्ना रहने की जरूरत हो जाती है जब चालबाज चीन जैसा आपका पड़ोसी मुल्क हो। और मेरे को ऐसा लगता है कि उस मंत्र की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। क्या है वो मंत्र, इससे अच्छा कि मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्ट आप देखिए। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं। हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। ये उस मिसाइल पावर की एक झलक है जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खेमे में तबाही का सबब बन सकती है। भारत 35 दिनों के अंदर ऐसी ही 10वीं मिसाइल के परीक्षण की ओर बढ़ चला है। ये 10वीं मिसाइल निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम होगी। निर्भय मिसाइल बिना भटके अपने निशाने पर अचूक वार करती है। आने वाले दिनों में निर्भय का परीक्षण किया जाएगा। निर्भय नए निर्भय की मिसाइल शक्ति का एक और प्रमाण है, जबकि इससे पहले ही मतलब महीने भर के अंदर हिंदुस्तान चालबाज चीन को अपनी बारूदी तैयारी की झलक दिखा चुका है। तारीख 30 सितंबर थी जब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन का भी सफल परीक्षण किया गया। अब ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर हो चुकी है। 3 अक्टूबर को परमाणु हमला करने में सक्षम शौर्य सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। शौर्य सुपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 2 या 3 गुना तेजी से लक्ष्य को भेद सकता है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक किया जा सकता है, और इसे सेना में शामिल करने को हरी झंडी भी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, भारत ने चीन के मिलिट्री बिल्ट अप के जवाब में LAC पर अपनी निर्भय मिसाइल्स पहले से ही तैनात कर रखी है। मतलब चीन को किसी भी तरह की गफलत में नहीं रहना चाहिए, यही संदेश आक्रामकता के साथ ड्रैगन को दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंद की मिसाइल पावर से क्या संदेश है, जरा यह हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल चीन के साथ लगातार कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। 12 अक्टूबर को ही 7वीं बार कमांडर स्तर की जो बातचीत है वो अभी होनी है। इससे पहले कि अगर तमाम चीजें हम बात करें तो चीन तनाव के बीच पहले की जगह पर ना जाने को लेकर अभी भी अड़ा हुआ है, जबकि भारत लगातार ये कह रहा है कि भाई आपको वापस उसी पोजीशन पर जाना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह दावा किया है कि LAC पर 60,000 चीनी सैनिक तैनात हैं। भारत ने मिसाइल परीक्षण से सैन्य क्षमताओं के मामले में अपनी ताकत दिखाई है। इसके अलावा चालबाज चीन की तरफ से किए गए दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पर मैं हूं या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान का ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करिए क्लिक और देश और दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।